भाजपा की इतनी तारीफ करना भी चाचा शिवपाल के काम न आया। सहकारिता में शिवपाल का तिलिस्म भी आज खत्म हो गया। भाजपा ने नहीं दिया साथ और हार गए आदित्य यादव। अब यूपी पीसीएफ के सभापति नहीं रहे शिवपाल के बेटे। यूपी के सहकारिता के क्षेत्र में यादव परिवार का एकाधिकार रहा है। सरकार और सत्ता किसी की भी रही हो, लेकिन पिछले करीब 3 दशक से सहकारी ग्रामीण विकास बैंक पूरी तरीके से यादव परिवार के कंट्रोल में ही रहा। उसमें भी चाचा शिवपाल के हाथ में ही ये कमान रही। चाचा शिवपाल और भाजपा की नजदीकियों को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही थी कि भाजपा कम से कम शिवपाल को पीसीएफ के पदों का तोहफा दे सकती है, लेकिन आज चाचा के लिए ये उम्मीद भी खत्म हो गई। भाजपा ने शिवपाल के लिए इस तिलिस्म को तोड़ दिया है। यूपी प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी यूपी पीसीएफ में आज सभापति और उपसभापति के चुनाव के बाद चाचा शिवपाल का वर्चस्व खत्म हो गया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ही पिछले 10 सालों से यूपी पीसीएफ के सभापति हैं। अखिलेश यादव के तलखियों के बाद से शिवपाल सिंह यादव के हाथ से सहकारिता की आखिरी ताकत भी चली गई। उनके बेटे आदित्य यादव का कार्यक्रम खत्म हो गया और नए चुनावों में भाजपा के किसी चेहरे का चुनाव भी तय हो गया। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव को सहकारिता का दिग्गज माना जाता है और लंबे समय से उनका बेटा आदित्य यादव प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन का सभापति है, लेकिन इस बार सभापति का चयन करने वाले फेडरेशन की 14 सदस्य कमेटी में से भाजपा के 11 सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए। सभापति बनने के लिए फेडरेशन के 14 सदस्यीय बोर्ड में शामिल होना जरूरी है। भाजपा ने आदित्य यादव को बोर्ड का सदस्य तक नहीं बनने दिया है। बाकी बची 3 सीटें महिला कोटे की हैं, जिन्हें सरकार मनोमीत करती है। ऐसे में आदित्य के तीसरी बार सभापति बनने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सहकारिता चुनाव के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब समाजवादी पार्टी किसी भी शीर्ष संस्था पर काबिज नहीं होगी। यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक, यूपी राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, यूपी राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड के साथ अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं पर भाजपा का झंडा पहले ही फैर चुका है। यूपी पीसीएफ की एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसका चुनाव बीजेपी सरकार के पहले कार्यकाल में नहीं हो सका था। इस बार भाजपा ने यहां भी अपना कब्जा जमा लिया और सपा शून्य पर पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के सहकारी ग्रामीण बैंक के 1960 में पहले सभापति जगन सिंह रावत निर्वाचित हुए थे। इसके बाद रऊफ जाफरी और शिव मंगल सिंह 1971 तक सभापति रहे। इसके बाद बैंक की कमान प्रशासक के तौर पर अधिकारियों के हाथ में आ गई। साल 1991 में मुलायम सिंह यादव परिवार की एंट्री हुई। हाकिम सिंह करीब 3 माह के लिए सभापति बने और 1994 में शिवपाल यादव सभापति बने और उसके बाद से उनके बेटे आदित्य यादव। केवल एक बार अगस्त 1999 में भाजपा के शासन में तत्कालीन सहकारिता मंत्री रामकुमार वर्मा के भाई सुरजन लाल वर्मा सभापति निर्वाचित हुए थे। इसके बाद तो सपा का ही कब्जा रहा। 2007 से 2012 तक मायावती 5 साल तक मुख्यमंत्री रहीं। बसपा के शासनकाल में भी सपाइयों ने कोर्ट में मामला उलझा कर चुनाव नहीं होने दिए थे और अपने सियासी वर्चस्व को बरकरार रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।